अगर आप पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इश्क और एक ताल्लुक आपके दिल में पैदा होगा। 27 जंगें ऐसी हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फौज की कमान की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मनसब के तहत। और अगली बात भी आप हैरान होंगे सुनने वाले कि इन 27 जंगों में हुजूर ने कभी तलवार हाथ में नहीं ली। हर गजवे में सजदे में सर रखा, सहाबा लड़ते रहे, आपने सजदे में सर रखा। इसलिए कि फतेह दो चीजों से मिलती है, या जज्बे से मिलती है या फिर अल्लाह की तरफ से आती है। सहाबा जज्बात दिखाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सजदे में सर रख के दुआ करते थे। हदीस में आता है जंगे उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार निकाली, सहाबा से फरमाया कौन है जो आज मेरी इस तलवार का हक अदा करेगा, जो हक अदा करेगा मैं उसको दूंगा। एक सहाबी थे हजरत अबू दुजाना, मदीने के पहलवान थे, वो आगे बढ़े और पूछते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तलवार का हक क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुश्मन खुदा की गर्दनों को काट दी जाए लेकिन किसी औरत पे ना उठे, किसी मजबूर पे ना उठे, किसी बच्चे पे ना उठे, और जो लड़ने वाला नहीं उस पर भी ना उठे। हजरत अबू दुजाना आगे बढ़े, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तलवार का हक मैं अदा करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार हजरत अबू दुजाना को दी और उनकी आदत थी कि जब किसी जिहाद में दाखिल होते मैदान में तो सर पर लाल पट्टी बांध के अकड़ अकड़ के चलते। जान थी, पहलवान थे, बॉडी बिल्डर थे, तो जब वो अकड़ के चले यहां लाल पट्टी बांधकर, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया अगरचे ये चाल अल्लाह को पसंद नहीं लेकिन आज इस चाल पर अल्लाह के फरिश्ते भी फख्र कर रहे हैं कि अकड़ के चलना अल्लाह को पसंद नहीं, कुरान में भी। लेकिन ये ऐसा मुजाहिद है, ऐसा बहादुर है कि आज इसके चलने पर अल्लाह के फरिश्ते भी फख्र कर रहे हैं कि क्या चल रहा है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार कभी हाथ में नहीं ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से ना कभी कोई जख्मी हुआ इन 27 जंगों में। दुश्मनान इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम तलवार से आया, इस्लाम जोर बाजू से फैला है, इस्लाम जुल्म जोरो जफा से फैला है। अगर इस्लाम तलवार से फैलता हुआ नजर आता तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी मैदान में तो तलवार चलाते हुए नजर आते नहीं, और सहाबा को भी यही हुक्म था। खैर, इसे दो नाम दिए गए, गजवाए अहजाब और गजवाए खंदक। अहजाब इस वजह से कि अहजाब जमा है हिज्ब की, हिज्ब का माना है पार्टी, कुफर की सारियां पार्टियां मिलकर, उलमा ने लिखा है 12 पार्टियां थी कुफर की, एक मंसूबे के तहत मदीने पे हमला आवर हुए, इसलिए इसको गजवाए अहजाब कहा जाता है और इसको गजवाए खंदक भी कहा जाता है। वो इसलिए कि ये एक गजवा ऐसा है कि जिसमें पहली बार अरब के लोगों ने खंदक देखी, मैदान के दरमियान में खंदक खोदी गई ताकि दुश्मन इतनी बड़ी खंदक हो के इसको पार न कर सके मदीने पाक के दिफा के लिए, इसलिए इसको खंदक भी कहा जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि 10,000 का लश्कर अबू सुफियान अपनी सरदारी में लेकर मदीने पे हमला आवर होने वाला है। बाज मुअर्रखीन ने 25,000 की तादाद लिखी लेकिन गालिबन
कहीं मुगलता हुआ या क्या हुआ, असल तारीख यही है कि 10,000 के लश्कर के साथ कुफर का लश्कर मदीने पे हमला आवर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ख़बर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में सहाबा को बिठा कर मशवरा फरमाया। और मशवरा ये था कि मदीने में रहकर मदीने का दिफा किया जाए सिवाय गज़वाए बदर के, बाकी जितनी जंगें हैं वो मदीने के दिफा के लिए लड़ी गई। इस्लाम ने कभी पहल नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन थे, रहमतुल्लिल आलमीनी का तकाजा ये था कि दुश्मन पर कभी पहल ना की जाए, अपना डिफेंस करना, अपना दिफा करना वो नबी का भी हक है, वली का भी हक है, आपका भी हक है, मेरा भी हक है।